हेलो फ्रेंड्स। तो अभी आज है फ्राइडे और अभी बजे है सुबह दोपहर के 12:30। और मैंने आज का व्लॉग स्टार्ट किया है, जो कि मैंने आपको अभी दिखाया है कि मैंने एक नई अलमारी खरीदी है, तो उसको मैंने आपको दिखाया, जो कि मैंने उसे खरीदी थी 26 जनवरी को, लेकिन अब तक मैंने आपको नहीं दिखाई थी, तो मैंने सोचा आज आपको दिखा दूँ। तो ये मैंने लोकल मार्केट से ही परचेस की है, जो कि मुझे पड़ी है 14,000 रुपीज़ में। तो मेरे पास एक ही अलमारी थी, तो उसकी ज़रूरत थी मुझे, तो मैंने ये ख़रीद ली। यहाँ पे जो है ये है बलून, जो कि कृष्णाली लाई थी उसके स्कूल से, जो फंक्शन हुआ ना वहाँ से लाई थी, वो अब तक उसी के साथ में खेल रही है। तो बस आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया, सुबह सुबह के मेरे काम हो गए। मोनालिसा भी गई स्कूल और कृष्णाली भी चली गई, उसके पापा भी गए, उन्होंने कुछ मुझे सब्जी वगैरह ला के दी, जो कि ख़त्म हो गई थी मेरे घर की, तो उन्होंने सब्जी वगैरह ला के दी और वो अपने काम के लिए निकल गए। तो अभी बस मेरा भी सभी घर का काम अभी बाकी है, खाना वगैरह सिर्फ बनाना हो गया मेरा। अभी कपड़े वगैरह धोने हैं, बर्तन भी साफ़ करने हैं मुझे, और अभी मैं गेहूँ साफ़ करने वाली हूँ, जो कि मुझे पीसने के लिए देने हैं। तो चलिए गेहूँ साफ करते हैं, और करती हूँ मैं आपसे अपना पूरा दिन शेयर आज का। तो अभी सिर्फ आई है मेरी अलमारी, तो अगर आप सबकी दुआ रही तो एक एक चीज़ भी मेरे घर के सभी आ जाएगी। अभी इसके बाद में लगाने वाली हूँ खिड़कियों के लिए पर्दे, लेकिन अभी जो है उसके पापा बोले थोड़ा ठहर जा, धीरे धीरे करेंगे। अभी अलमारी ली है तो थोड़े दिन के बाद हम पर्दा वगैरह भी लेंगे, और घर का जो कलरिंग वगैरह भी है वो भी करवाने वाले हैं, तो वो सब भी आपको मैं दिखाऊंगी। तो एक एक करके हम सब करेंगे अभी, क्योंकि अभी अभी हम जो है नीचे से ऊपर शिफ्ट हुए, जो कि मैंने आपको जैसे बताया है, हमारे मम्मी पापा जो है वो नीचे रहते हैं, और हम एक लगभग 1 साल होने वाला है अभी हम ऊपर शिफ्ट हुए हैं, जो कि ऊपर है मेरा एक हॉल, एक किचन और टॉयलेट बाथरूम वगैरह है। तो अभी मैंने कुछ ज़्यादा कुछ किया नहीं मेरे घर के मेरे रूम्स में, तो अभी एक एक करके मैं सब कुछ ले लूँगी और आपके साथ में शेयर करूँगी। तो चलिए फिर करती हूँ मैं आज का व्लॉग कंटिन्यू। गेहूं में जो है ना वो ज्यादा कुछ साफ वगैरह करने के लिए नहीं, सिर्फ एक आधा दो कंकड़ निकल रहे हैं, बाकी पूरी तरीके से साफ है, तो इसलिए कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं। हम लेडीज क्या करते हैं, अगर कोई भी हमारा जो धान होता है, यानी गेहूं, ज्वारी, बाजरी, हम जो है उसे साफ करके ही पीसने के लिए दे देते हैं, वैसे ही नहीं देते हम। ये देखिए कुछ ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि ये पहले से ही अच्छे से साफ है, सिर्फ थोड़ा सा हमें से धूल वगैरह जो है उसकी वो निकाल लेनी पड़ती, और एक आधा दो अगर कंकर को वो भी निकाल लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे जो है मैंने पूरे गेहूं जो है वो साफ कर लिए, और अभी मैं इसे पीसने के लिए लेके आती हूँ, और मिलती हूँ मैं आपसे फिर से।
तो अभी बज गया है दोपहर का 1 या 1.5 बज गए हैं। तो अभी मैं करूंगी मेरा लंच, क्योंकि अभी मेरे सभी काम खत्म हो गए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने मेरे सभी काम जब तक तो होने जाते तब तक मैं अपना लंच नहीं करती हूँ, क्योंकि खाना खाने के बाद थोड़ा सा आलस आ जाता है काम करने में। तो मैं सब अपने घर घर के काम फिनिश होने के बाद में ही खाना खाती हूँ। रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ मैंने आज क्या क्या बनाया है लंच में। तो ये देखिए मैंने आज बनाई है रोटी, राइस, यहाँ है आम का अचार, और ये है तुअर की दाल, जिसे मैंने टोमेटो वगैरह डाल के जो है उसे फोड़नी की है, तड़का लगाया है, और यहाँ पे है नमक। और खाने के बाद में खाऊंगी मैं गुलाब जामुन, जो कि मनु के पापा जो है ना उनके उन्हें उन्हें पता है कि इसे गुलाब जामुन जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो हमेशा ही मुझे मेरे लिए लाते ही रहते हैं, जो कि है हल्दीराम के गुलाब जामुन, बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगते हैं, तो मैं उसे खाऊंगी। और ये देखिए यहाँ पे मिस मोनालिसा जो है वो स्कूल से आ गई है। और ये देखिए मनु जो स्कूल से भी आ गई है, बहुत थक जाती है मनु, है ना मनु, है ना। हाँ चलो अभी मनु करेगी कपड़े वगैरह चेंज और बाद में फिर से आपसे मिलेगी। चलो तो अभी मैंने मनु के पापा को फोन लगाया तो उन्होंने बोला कि मैं वो दाल नहीं खाऊंगा, तो उनके लिए मैं अभी बनवा रही हूँ ये लाल भोपले की सब्जी, तब तक वो भी आ जाएंगे। और यहाँ पे जो है कृष्णाली के पापा कृष्णाली को स्कूल से लेते आ गए, और अपने साथ में वो आलू पोंगा भी लाए हैं, जो कि कृष्णाली के स्कूल के पास में मिलता है। और कृष्णाली के पापा जो है वो खाना खा के फिर से बाहर चले गए, और मोनाली से और कृष्णाली ने भी आलू पोंगा खा लिया, जो कि शाम के स्नैक्स में हम इसे खा रहे हैं। उन दोनों ने खा लिया और वो अभी अपने दादा दादी के पास में नीचे गई है खेलने के लिए। जो कि कृष्णाली के पापा जो है वो लंच के लिए रोज आते नहीं, अगर उन्हें टाइम मिला तो ही वो घर पे आते हैं, उनका कुछ टाइम फिक्स नहीं रहता, इसलिए दोपहर का लंच जो है वो मैं अकेले ही करती हूँ। और आज उन्होंने जो है उन्हें पता है मुझे आलू पोंगा भी बहुत पसंद है, तो वो कृष्णाली के स्कूल के पास में बहुत अच्छा मिलता है, तो वो हमारे लिए लेके आए थे, तो उसे हमने अभी आज स्नैक्स में खाया है, शाम के स्नैक्स में। तो अभी बस कृष्णाली और मोनाली सर जो है दादा दादी के पास में नीचे खेल ही रही है, और यहाँ पर ये दोनों अभी अपनी तैयारी कर रही है, जो कि वो अभी निकल रही है अपने दादा दादी के साथ में, जो उन्हें आज घुमाने के लिए बाहर लेके जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चलो हम आज बाहर घूम के आएंगे। कृष्णाली जो है ना वो बहुत ज़्यादा मस्ती करती, वो देखो मुझे चिढ़ा के अभी दौड़ के नीचे जा रही है अपनी दादी के पास में, जो कि उसे आज वो बाहर लेके जा रहे तो वो बहुत ज़्यादा खुश है। वो देखिए कैसे मुझे वहाँ से नीचे से आवाज़,
तो अभी अभी जो है मैंने बालों में ऑयल लगा लिया, और शाम से मैं काफ़ी बिजी थी क्योंकि मोनालिसा के स्कूल में जो है उसका फंडे है 9 तारीख को। तो उसके मैम का मुझे कल फ़ोन आया था कि मैम आप अपने पूरी फैमिली का जो है मोनालिसा के साथ में फ़ोटोशूट करके उस फोटोज़ को जो है वो पेन ड्राइव में डाल के मेरे पास भेज दीजिए मोना के साथ में। तो बस हम शाम को हमने शाम को मिलके सबने ने वही किया, फोटोशूट कर लिया, और उसके पापा जो है वो पेन ड्राइव लेके गए, और जो कि मोबाइल से वो फोटो जो है ना वो पेन ड्राइव में डाल के लाए बाहर से, क्योंकि मेरे पास में लैपटॉप नहीं है अभी। तो बस वो पेन ड्राइव में अभी कल मैं भेजूंगी मोनालिसा के साथ में। तो मेरा व्लॉग जो है अभी एंड करना बाकी था, तो मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग एंड कर लूँ, और अभी मैं करूँगी इस व्लॉग को एडिट और कल को मैं करूँगी इसे अपलोड। तो बस आज का दिन मेरा यही था जो कि मैंने आपके साथ पूरा शेयर किया है। आप आई होप कि आपको पसंद आएगा। तो मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।